अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुश्ताक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम अगर एक मोबाइल का स्क्रीन दूसरे मोबाइल में मिरर करना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो उसको आप मिरर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने ए पावर मिरर को सर्च करना होगा। ए पावर मिरर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दोनों मोबाइल में ए पावर मिरर को जो है वो इंस्टॉल किया है। और यहाँ पर एक बात याद रखिए कि इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो, लेकिन ये ख्याल रखें कि आपके पास जो नेट कनेक्ट है मोबाइल में, ठीक है ना, वो एक ही नेटवर्क से हो, यानी कि एक ही वाईफाई से हो या एक ही मोबाइल से हो। अगर नेट उसमें है या नहीं है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वाईफाई कनेक्शन सेम जो है वो रखना पड़ता है इधर पे। तो यहाँ पर ये एप और मिरर जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम पर जब हम इनको ओपन करते हैं तो इसका लुक कुछ इस तरीके से हमें सामने नज़र आएगा। जिस मोबाइल में भी हो दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एलो ऐप, एलो ऐप पर क्लिक किया, एलो ऐप, इसके ऊपर दोबारा एलो पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐप स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोग मिरर देख सकते हैं, इस मिरर के ऊपर क्लिक करें। इस मिरर के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर इसके अलावा दो ऑप्शन और भी है, पेन कोड का ऑप्शन, क्यूआर कोड का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं डिटेक्ट के ऊपर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनफिनिक्स X663, यहाँ पर आप लोगों को इस मोबाइल का जो है ये सामने निकल आएगा नाम। तो इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर कास्ट के ऊपर क्लिक करें। कास्ट के ऊपर मैं जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिकली इस दूसरे साइड पे मिरर हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका स्क्रीन जो है इधर पे मिरर हो गया है, लेकिन ये उल्टा है। उल्टा से पोर्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस पर क्लिक करें तो ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीक़ाकार भी है, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, क्यूआर कोड के ज़रिए। क्यूआर कोड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग इनको यहाँ पर एलो करना होगा। और एलो करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माई क्यूआर कोड, माई क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करें। माई क्यूआर कोड के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ से हमारा जो क्यूआर कोड है वो सामने नज़र आएगा। और अभी इस दूसरे मोबाइल से भी यहाँ पर ऊपर आप ये निशान देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, एलो पर क्लिक करें। एलो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने स्कैनिंग शुरू किया। और जैसे ही मैंने इस मोबाइल को इस पे रखा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। स्टार्ट नो, स्टार्ट नो पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पे मेरा इस मोबाइल का स्क्रीन जो है मिरर हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जो इधर पे करते हैं वो इधर पे आप लोगों को नज़र आएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।